अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अवकाश। आप देख रहे हैं बर्जवरी चैनल, और बर्जवरी चैनल की एक नई और प्यारी सी एक छोटी सी वीडियो के अंदर आप दोस्तों के लिए कुछ नए बर्ड्स की वैरायटी जो हमने डाली हुई है या जो अभी ब्रीडिंग सीजन चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। यार अभी माशाल्लाह ना, मतलब मार्च का मिड हो चुका है और जो ग्राउंड बर्ड्स होते हैं ना उनकी जो एक्सपेक्टेड ब्रीडिंग डेट होती है वो तकरीबन अप्रैल के स्टार्ट में और मार्च से, मतलब फर्स्ट मार्च लेके ना फर्स्ट अप्रैल के दरमियान में ब्रीड स्टार्ट हो जाती है। कुछ ऐसे हैं जो मार्च में शुरू करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अप्रैल के स्टार्ट में। तो काफ़ी एक लॉन्ग पीरियड के बाद, मतलब पूरे साल की तक दो के बाद जब आपके पास ब्रीड का सीज़न स्टार्ट होता है, और अगर आपके पास अनफॉर्चुनेटली कभी ऐसा हो जाए कि बर्ड्स बीमार हों या किसी का मसला हो जाए, तो वो ब्रीड उसमें नहीं आती। और माशाल्लाह अभी मौसम भी बिल्कुल खुल गया है, गर्मी हल्की हल्की शुरू हो गई है, तो ये एक आइडियल मौसम होता है माशाल्लाह। ये हमारा ब्लू ईयर्ड फेजेंट जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में आलमोस्ट कोई गिने चुने लोगों के पास होगा, उसमें से अल्लाह के करम, अल्लाह के फजल के साथ एक हमारे पास भी पेयर आया हुआ है। तो ये आप दोस्तों की प्यार और मोहब्बत से और आप दोस्तों के खलूस की वजह से ये हमारे पास अल्लाह ने हमें अता किया है। तो एक तो पहले, सबसे पहले ये छोटी सी रिक्वेस्ट होती है जो दोस्त हमारे देख रहे हैं, जो हमारे भाई हैं मुस्लिम भाई जितने भी होते हैं, मतलब जो एज ए मुस्लिम हैं, वो माशाल्लाह लाजमी अदा करें, क्योंकि एक वीडियो है उसको हर बंदा देख रहा होता है एक सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो हमारे मुस्लिम भाई होते हैं वो उसको जो है ना लाजमी माशाल्लाह कहा करें। बर्ड्स को देख के अल्लाह नज़रबाज़ से बचाए। ये हमारी मैंडाइन डक्स हैं, इनको भी पानी देना है, इनकी बहुत प्यारी एक लुक होती है। अगर अभी पानी ना देने की वजह से, इनको वाटरफॉल बर्ड है, तो लुक ना देने की वजह से थोड़ा सा इशू एक बन रहा है। और ऊपर रिंग नेक पैरट की एवियरी में कुछ रिंग नेक पैरट ने ब्रीड की हुई है यहाँ पे, इन बॉक्सेस के अंदर है, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। और उसके बाद ये ग्रीन जावा की फीमेल है, इसका क्रस्ट जो है ना वो उतर गया है, मतलब वो दूसरे पीछे ने मार के उतार दिया था, फेजेंस के साथ घूम रही थी, नहीं तो बहुत टॉप क्वालिटी की माशाल्लाह। अगर इसका पैटर्न देखे, जो ग्रीन जावा के शौकीन है ना, लवर है ना, वो इसकी लेग्स को, इसकी हाइट को, और माशाल्लाह इसकी जो सिपियाँ बनी होती है ना नेक पे, उसको देख के वो काउंट कर लेंगे कि क्वालिटी कैसी है। वो बहुत स्ट्रेट इसका है क्रस्ट है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत फीमेल है। और इसका मेल अभी नहीं लिया हमने, थोड़ी सी कुछ एक्सपेंस ज़्यादा थे, आ जाएंगी, तैयारी कर ली है हमने इंशाल्लाह। ये प्लास्टिक के अंडे फेंके हुए हैं, फीमेल एक बैक साइड पे यही है डब्बे में। अभी ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी इनके अंडे स्टार्ट नहीं हुए, क्योंकि अप्रैल तक चलिए स्टार्ट करेंगे। मेल अभी पट्ठा है और फीमेल जो है वो बड़ी है, ठीक है। रेत वगैरह डाल के अपने उस हिसाब से सेटिंग कर रही है, एंड उसके बाद आ जाएँ यहाँ पर प्लास्टिक के अंडे डमिया फेंके हुए हैं, और साथ में लेडी एमरल्ड के पट्ठों का पेयर है, ठीक है। तो ये भी बहुत प्यारा माशाल्लाह पेयर है। केज का साइज़ लोग काफ़ी ज़्यादा मुझसे पूछ चुके हैं, तो भाई ये 5x8 केज होता है। और ये है रिप्रेजेंट का, एक मेल है और एक फीमेल, इसके साथ भी अभी ब्रीड स्टार्ट नहीं हुई, अभी ब्रीड किसी की स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन इंशाल्लाह तैयारी हो रही है। आप दोस्त दुआ करें खुसूसी कि अल्लाह फजल और करम से ना हमें इसकी अच्छी ब्रीड और एक्सपेक्टेड जो हम कर रहे हैं वो अल्लाह पाक हमें इसमें अता फरमाए, ठीक है। उसके बाद फिर अगेन आ जाए तो ये लेडी का एक पट्ठों का पेयर और लगा हुआ है, ठीक है। और इसी लाइन में इस तरह अगर चलते रहे ना, तो काफ़ी सारे मतलब पेयर जो है वो आपको आगे देखने में मिलेंगे। तो अगर आगे आ जाएं तो ये रीव प्लस कॉकटेल की जगह बनी हुई है, हमने बनाया हुआ केज, इसमें भी रीव का एक मेल दो फीमेल हैं इसमें, और ये भी प्लास्टिक के फेंक गया हुआ, और ये माशाल्लाह हमारी प्यारी सी एक कॉकटेल कॉलोनी है ये, और सारे माशाल्लाह इन्होंने इन्होंने अंडे बच्चे दिए हुए हैं। और मैं कोशिश करता हूँ, मैं केज में आ चुका हूँ, थोड़ा सा रीव डरते भी बहुत है, तो मैं ट्राई करता हूँ आपको दिखाने की, ठीक है। और ये देखिए माशाल्लाह, इसने ब्रीड की हुई है, एंड इसी तरह जो है ना इस केज में भी, इस बॉक्स में भी इन्होंने अंडे दिए हुए हैं। और ये देखिए माशाल्लाह, ये भी बैठी हुई है अंडों पे। और अगर थोड़ा सा आगे चले हैं तो ये जो बॉक्सेज हैं इनमें भी इन्होंने बच्चे वगैरह निकाले हुए हैं, ठीक है। तो ये ग्रीन शीट जो हमने लगाई हुई है ना, इसका एक ख़ास मकसद होता है, मकसद ये होता है कि इससे ना एक दूसरे को बर्ड देखते नहीं हैं तो फिर लड़ते नहीं हैं, कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो लड़ते हैं आपस में। अच्छा, यहाँ पे भी ना एक मेल दो फीमेल लगी हुई है, और ये भी लेडी एमरल्ड फेजेंट के ना पट्ठे हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारे पट्ठे हैं, यंग हैं एक साल के, और उम्मीद है कि ये भी इंशाल्लाह इस साल ब्रीड करेंगे। एंड उसके बाद अगेन फिर यहाँ पे रीव का एक ट्रायो लगा हुआ है, ट्रायो तो एक मेल तीन फीमेल हमने छोड़ी हैं, दो फीमेल बॉक्स में बैठी हैं धूप की वजह से, और माशाल्लाह आप क्वालिटी चेक करें, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह बर्ड हैं। और ये हमारे पास उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल और करम से, आप दोस्तों की दुआओं से चलेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर भी एक दो मेल और दो फीमेल लेडी एमरल्ड के लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे आगे आ जाएं, यहाँ पर भी रीप का एक मेल एक फीमेल है जो आपको लगे हुए नज़र आएंगे।
माशाल्लाह अल्लाह नज़र बस से बचाए, तो ये भी इंशाल्लाह ब्रीड करेगा। ये थोड़े से बीमार हुए थे, इनको नज़र कम का मसला आ रहा था, ट्रीटमेंट चल रहा है इंशाल्लाह, होपफुली अल्लाह पाक फजल बना फरमाएंगे अपना। और ये है जी लेडी, अभी थोड़ा सा इसको उठा के आपको दिखाते हैं, ये बैठा हुआ है शायद, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये उठ जाए, क्योंकि उसकी लुक जो है ना वो आपको तभी नज़र आएगी। अब देखिए जी माशाल्लाह, ये आगे से हट जो फीमेल लगे आगे आ गई मेरे ख्याल में, अभी देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ब्यूटी चेक करें, बहुत खूबसूरत लॉन्ग टेल लॉन्ग ट्रायो है। एक मेल दो फीमेल हैं इसमें, एक फीमेल बड़ी और एक फीमेल हमने जो पट्टी छोड़ी है। इम्पोर्टेड मेल है, रिंग बर्ड तो नहीं है, मतलब इम्पोर्टेड के बच्चों में से निकला हुआ है, इम्पोर्टेड पेयर की ब्रीड में से है, टॉप क्वालिटी पेयर है, ठीक है। और ये कुछ इस तरह का सेटअप है, काफ़ी दफ़ा देखा हुआ भी है, थोड़ी सी चेंजिंग की थी आपको बताई नहीं, यहाँ पे प्लेटें लगा के इसमें रेट डाली है, नहीं तो पहले यहाँ पे फट्टे लगे हुए थे। तो ओवरऑल माशाल्लाह बहुत कोशिश तो की है यार, मतलब सेटअप को मेंटेन करने की। ये मेरे मतलब यहाँ पे पैरट्स की वैराइटीज लगी हुई हैं, ये सन की और ब्रीड पे हैं माशाल्लाह, और ज़ीरा अभी तक ठंडा है, पता नहीं क्यों क्या वजह है, नया पेयर लगा हुआ इसलिए शायद। यहाँ पे सन की और यहाँ पे इसमें ये अंडे पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये येलो सेटल का पेयर है, और मैं कोशिश करता हूँ आपको इसमें थोड़ा दिखाने की। माशाल्लाह ये चेक करेंगे, माशाल्लाह और मेल बार है, अगर मेल बॉक्स के अंदर ही है, यहाँ पे भी कोई इस तरह का ही सिनेरियो है, लेकिन अभी उन्होंने अंडे नहीं दिए, पहला क्लच इनका ज़ाया हो गया था अनफॉर्चुनेटली, तो अभी माशाल्लाह ये दोबारा अंडे शंडे दे रहे हैं। यहाँ पे भी सन की और है, बहुत क्यूट बर्ड है और बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, और यहाँ पे नीचे वहाँ के पेड़ लगे हुए हैं, ये चेक करें माशाल्लाह। इसके पट्टे से तो मादा ने अंडे दिए, लेकिन अभी फर्टाइल नहीं हुआ, ठीक है, ये भी इससे अंडे गए। तो ये थोड़ी सी कंडीशन बनी हुई है, यहाँ पे भी वहाँ लगे हुए हैं, कुछ बर्ड इस तरफ हैं, आगे तक चलते हैं दूसरी साइड पे, कुछ बर्ड यहाँ पे हैं, और ये भी आपको दिखाते हैं, मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। ये देखिए जी माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग आउट क्वालिटी का, मतलब बेहतरीन क्वालिटी का एक रेड गोल्डन का ट्रायो, और इंशाल्लाह ब्रीड आएगी तो भाइयों को ज़रूर देंगे जी। और ये हमारा ना इस साल का पट्टा मेल अभी यंग है, तो अर्ली का मेल है, तो इसी कलर थोड़े के अच्छे और मतलब जल्दी तैयार हो गए। यहाँ पे भी रेड गोल्डन का ही पेयर लगा हुआ है, अगर आप देख सके तो, बहुत अच्छा पेयर है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत टॉप क्वालिटी का पेयर है। अच्छा चलें इसको भी खोल के दिखा देते हैं, इसका क्लियर नज़र आएगा, दो फीमेल्स हैं और एक मेल लगा हुआ है, ठीक है, बहुत खूबसूरत पेयर है। जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं, तो चैनल की सब्सक्रिप्शन रेशो बहुत कम है भाई, प्लीज़ जो है ना, अगर पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे लाइक और कमेंट लाजमी किया करें, उसकी वजह से ना आप दोस्तों के प्यार और खुशी से जब आप लाइक और कमेंट करते हैं, तो उससे हमें जो है ना थोड़ी सी एक खुशी होती है और एफर्ट मिलती है आप दोस्तों के लिए मजीद वीडियोज़ बनाने के लिए। ये येलो गोल्डन है, रेड गोल्डन से आगे की जनरेशन समझने के लिए एक रेड गोल्डन की तरह का पेयर है, लेकिन ये येलो गोल्डन ब्रीड है, अलग ब्रीड है, मतलब उसी फैमिली में आ जाती है लेडी और रेड गोल्डन और ये येलो गोल्डन। इसमें आजकल पीच गोल्डन भी आ रहे हैं, तो वो भी अभी मेरे ख्याल में पाकिस्तान में आए हुए हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है और कुछ तो मज़े का भी नहीं है। ये चेक करें जी माशाल्लाह, ये बंदे की मस्ती करता है मेल है, थोड़ा सा ये कि मैं थोड़ी सी डैमेज है, मैं इसको साइड पे करता हूँ, तो माशाल्लाह आप चेक करें, और यहाँ पे दो फीमेल बैठी हुई हैं, और ये मेल है माशाल्लाह, क्वालिटी बर्ड टोटल, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि क्वालिटी बर्ड है। थोड़े से बीमार हुए थे मेरे पास, थोड़ा सा ना वो क्राइजे का मसला आया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से ना कवर हो गया। तो यहाँ पे भी रेड गोल्डन है जी, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, इनकी टेल्स छोटी सी हो गई हैं, कि चूहे आए हैं ना जो सर्दियों में, उन्होंने चूहों ने थोड़ा सा नुकसान किया था, कि इनकी टेल्स को ना स्टिक पे बैठ के जब ये बैठे थे तो रात को तो पर्चिंग वगैरह कटिंग करना थी, बल्कि बर्ड्स के फैदर को ख़राब किया था इस दफ़ा चूहों ने, बड़ा रेड्स वगैरह ने बड़ा नुकसान वगैरह किया था। तो ये ओवरऑल यार मतलब कि दोस्तों के लिए जो हमने वीडियो बनाई यूट्यूब के लिए,
और अल्लाह के फजल से बहुत प्यारे और खूबसूरत से बर्ड हैं माशाल्लाह। अपना जवा को देखें जी, कैपिटल टीम बर्ड और डक्स। तो होपफुली इंशाल्लाह आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी, उम्मीद है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के अंदर। कोई कमेंट बॉक्स में अगर आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई करूँगा फर्दर। कोई किसी किस्म का सवाल हो, कोई बर्ड आपको चाहिए तो अवेलेबल हो जाएंगे। और इसी के साथ आप दोस्तों से मैं इजाज़त चाहूँगा, आप मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।